साबिक वजीर आजम मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और एक फजाई कंपनी के मालिक शाहिद खाकान अब्बासी ने भी तोशाखाना से महंगी घड़ियां और हीरों का नेकलेस सस्ते दामों हासिल करके वतन अजीज को कम अज कम 8 करोड़ रुपए का टीका लगाया। सीनियर सहाफी और कॉलम निगार अंसार अब्बासी अपने कॉलम में बताते हैं कि तोशाखाना के तहाइफ वसूल करने वाले अफराद की फहरिस्त में जिस शख्स का नाम और तोहफों की तफसील पढ़कर मुझे सबसे ज्यादा अफसोस हुआ वो साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि वो घड़ियाँ नहीं पहनते, लेकिन न सिर्फ करोड़ों रुपये मालियत की कई घड़ियाँ खुद खरीद लीं बल्कि अपने बेटों को भी महंगी घड़ियों और महंगे महंगे मोबाइल वगैरह तोशाखाना से दिलवाए। अब्बासी साहब की बेगम साहिबा ने भी कोई 10 करोड़ मालियत का हीरों का सेट 2 करोड़ में खरीदा। अब्बासी साहब को टीवी पर यह कहते सुना कि तोहफे तो उनकी जात को दिए गए, उसका रियासत और वजीर आजम के ओहदों से क्या ताल्लुक। अब्बासी साहब की ये बात मेरी समझ से बालातर है। वो कह रहे हैं अगर ये सच है तो फिर वो और दूसरे बता दें कि जब वो सदर वजीर आजम या वजीर मुशीर नहीं थे तो सऊदी अरब, अरब अमारात और कतर वगैरह के हुक्मरानों ने कितनी बार उन्हें महंगे तोहफे तहाइफ दिए। अब्बासी साहब की तरह दूसरों की बेगमात और बच्चों ने भी तोशाखाना से तहाइफ हासिल किए। अंसार अब्बासी का कहना है कि पाकिस्तान की अशराफिया की भूख मिटने का नाम नहीं ले रही, अवाम का नाम जरूर लिया जाता है, लेकिन जो कुछ पाकिस्तान में होता है उसे देख कर शक नहीं रहता कि इस मुल्क और इसके वसाइल को अशराफिया के लिए मुख्तस कर दिया किया है। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर चंद दिन कबल शहबाज शरीफ हुकूमत ने गुज़िश्ता 20 साल का तोशाखाना का रिकॉर्ड अवाम के सामने पेश कर दिया, जिसके मुताबिक किस किस ने क्या क्या तहाइफ लिए तफसीलात पढ़कर अफसोस हुआ। चंद एक को छोड़कर जिस जिस को मौका मिला इसने लाखों करोड़ों और चंद एक ने तो अरबों रुपये के तहाइफ कौमी खजाने में इंतहाई कम रकम जमा कराकर हासिल किए। और कहते हैं कि हमने कोई गैरकानूनी काम थोड़ा ही किया है, बल्कि वो लोग जो कौड़ियों के भाव महंगे महंगे तहाइफ घर ले गए वो तो हुकूमत की पॉलिसी के ऐन मुताबिक था। कोई पूछे यही तो गम है कि जहां जहां इस अशराफिया का अपना मफाद होता है वहां पॉलिसियां और कानून भी अपनी मर्जी और मंशा के बनाकर सब कुछ हड़प कर लिया जाता है। जनरल मुशर्रफ और उनके डाडले वजीर आजम शौकत अजीज ने तोशाखाना के तोहफों पर खूब हाथ साफ किया। उनके तहाइफ की फहरिस्त है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। आसिफ अली जरदारी और उनके वज़राए आज़म यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ ने भी कुछ ना छोड़ा। जरदारी साहब अरबपति लेकिन 2 BMW गाड़ियां तोशाखाने से ले उड़े। इसके अलावा भी जो कुछ उन्होंने लिया उसकी फहरिस्त काफ़ी तवील है। बलावल को किस चीज़ की कमी है, माँ बाप ने अरबों खरबों उनके लिए छोड़े लेकिन उनको भी जो तोहफे में मिला सब इंतहाई रियायती कीमत अदा करके रख लिया। नवाज शरीफ ने भी कोई कसर ना छोड़ी। एक मरतबा मर्सिडीज ही नहीं बल्कि महंगी तरीन घड़ियाँ, कालीन और जो कुछ किसी ने दिया सब घर ले गए। अंसार अब्बासी कहते हैं कि इमरान खान के मुतालिक तफसीलात तो सब पहले से जानते हैं, उन्होंने और इनकी बेगम साहिबा ने भी हद कर दी और जो जो हाथ आया समेट लिया। मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुतालिक ये पढ़कर इत्मीनान हुआ कि उन्होंने कम अज कम तोशाखाने के तवाही पर अपनी भूख जाहिर नहीं की। उन्होंने महंगे तोहफे सब तोशाखाने में जमा करवा दिए लेकिन सस्ते तहाइफ मसलन शहद वगैरह रख लिए। वजीरों मुशीरों इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और कई दूसरों ने भी खूब तहाइफ समेटे। एहसन इकबाल भी इस कानूनी लूट खसूट में शामिल हैं लेकिन उन्होंने लिस्ट के तोहफों की असल मार्केट के मुताबिक तय की गई कीमत अदा करके अपने जमीर का बोझ जरूर हल्का किया, जो खुश आइन बात है। वरना दूसरे तो सीना तान कर कहते हैं कि हमने कौन सा गैर कानूनी काम किया है, हमने तो वो कीमत अदा कर दी है जो कानून के मुताबिक हम अदा करने के मजाज थे। कई फौजी और सरकारी अफसरों के नाम भी इस लिस्ट में शामिल थे लेकिन बहुत से बड़े नाम गायब थे और ऐसा महसूस हुआ जैसे मुसल्ला अफवाज और अदलिया से ताल्लुक रखने वालों की कोई और फहरिस्त होगी। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि कई आर्मी चीफ्स और चीफ जस्टिस साहिबान को कभी कोई तोहफा मिला ही ना हो। तोहफा हासिल करने वाले सिविल अफसरान में फवाद हसन फवाद का नाम पढ़कर अच्छा नहीं लगा। जब एक तरफ अरबपतियों करोड़पतियों को कौड़ियों के भाव तो तोहफे समेटते देखा तो वहीं दो सिपाहियों अतीकुर रहमान और मलक कासिम ने उनको मिले तोहफे लेने से इनकार कर दिया और ये तहाइफ तोशाखाना में जमा करा दिए। इन दोनों ने साबित किया कि उनका कद बज़ाहिर बड़े बड़े हुक्मरानों से बहुत बड़ा है। तोशाखाना की लिस्ट ने इस अमाम में सब नंगे वाली बात को दुरुस्त साबित किया और अवाम की दूसरों से मुतालिक बहुत सी गलत फहमियाँ दूर हो गईं। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।